नमस्कार दोस्तों, ईपा नेट के सेवन लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ईपा किट को डाउनलोड किया था और इंस्टॉल करना सीखा था, तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ईपा किट के यूज से आप जो ऑटो किट की ड्राइंग है उसको आप ईपा नेट के लिए कॉम्पिटेबल बना सकते हो, या मैं कहूँ किस तरह से ईपा नेट के लिए कन्वर्ट कर सकते हो आप उस ड्राइंग को। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑटो किट में बहुत सारी ड्राइंगें बनी हुई रहती है और ईपानेट में आप सीधा उस ड्राइंग को ला सकते हो, बजाय कि आप एक एक पॉइंट को इंसर्ट करो या एक एक नोड को वहाँ इंसर्ट करो, तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो इसके लिए आप इस जो सॉफ्टवेयर है ईपाकेट, इसके यूज से आप डायरेक्टली ऑटोकेट की ड्राइंग को कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताऊँ तो कि किस तरह से वो कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए पहले हम ऑटोकेट में चलते हैं। तो ऑटोकेट में आप जैसे देख रहे हो, ये गूगल की जो इमेज है ये बैकग्राउंड में है। तो इसमें पहले हम एक प्लानिंग करते हैं यही ऑटोकैड के अंदर। तो मैं पॉलीलाइन कमांड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लाइन कमांड भी यूज कर सकते हो। तो पॉली कमांड में अपन यहाँ पे रिजर्वायर है, फिर यहाँ से मैं नोड पॉइंट इंसर्ट करते हुए जाता हूँ। तो इस तरह से आप लाइन कमांड भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताऊँ दोनों में कि किस तरह से अगर आप लाइन कमांड यूज करते हो तो कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर आप पॉलीलाइन यूज करते हो तो कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहां से लेके यहाँ पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन टैंक रहेगा। उसके बाद जैसे आप लाइन कमांड यूज करते हो, तो जैसे आपका लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है उसको ये वर्टेक्स काउंट करता है जो ईपाकेट है। अगर पॉलीलाइन है तो जो लास्ट जो शुरू का पॉइंट है और उसका लास्ट पॉइंट है, अगर आप उसका जो कन्वर्जन का जो मोड होता है, अगर आप वर्टेक्स सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ आपके दो ही नोड ईपानेट पे शो होंगे, बाकी के जो बीच की लाइन है वो सिर्फ लाइन की तरह पाइप की तरह ही यूज होगी। लेकिन आप अगर उसका जो मोड है वो आप अगर नोड मोड यूज करते हो, तो उसमें जहां जहां पे आपने इसमें बीच में आपने कन्वर्ट इसमें जहां पे वर्टेक्स डाले हैं तो वहां पे भी नोड इंसर्शन होके आएंगे। तो चलिए पहले इस ड्रॉइंग को सेव एज कर लेते हैं। तो इसको आप सेव एज में डीएक्सएफ फाइल में सेव करोगे और ये ईपानेट के लेक्चर फोल्डर में सेव कर लेते हैं इसको। तो ये सेव हो चुकी है ड्राइंग यहाँ पे। इसके बाद हम ईपाकेड में चलेंगे, यहाँ ओपन पे जाइए। ओपन पे जाने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे सीधा पाथ आ रहा है, नहीं तो आप यहाँ से पाथ कॉपी भी कर सकते हो। इस डीएक्सएफ फाइल को खोल लीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो वर्टेक्स मोड है और नोड मोड है ये कैसे काम करता है, तो मैं पहले वर्टेक्स करके आपको दिखाता हूँ। वर्टेक्स, उसके बाद नेक्स्ट, फिनिश। इसमें हम लोग इसका नाम देते हैं लेक्चर सेवन वर्टेक्स, और मैं इसको सेव कर देता हूं। जो नेक्स्ट टाइम है मैं इसी फाइल को वापस से ओपन करता हूं, लेकिन इस बार मैं आपको एक जो लेयर है वो लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जिस लेयर में आपकी ड्राइंग है। फिर उसके बाद आप कन्वर्जन मोड में यहाँ पे नोड मोड सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, इसको फिनिश कर दीजिए और इसका नाम दे दीजिए लेक्चर सेवन नोड, और इसको सेव कर दीजिए। ओके, इसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए। इसके बाद आप सीधा ईपरनेट में जा सकते हैं, यहाँ से आप ओपन पे जाइए। ओपन में जाने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे नो आइटम्स मैच यू सर्च, कि आपके सर्च का कोई आइटम मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जो हम लोगों ने ड्राइंग जो कन्वर्ट की थी वो डॉट नेट फॉर्मेट में नहीं है, वो आपकी जो ड्राइंग है वो इनपुट फाइल है डॉट आईएनपी। तो इस पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे दो फाइल आ चुकी है। तो पहले हम वर्टेक्स वाली देखते हैं इसमें। तो इसको आप ओपन करोगे तो देख पा रहे हो कि सिर्फ इसमें दो ही जंक्शन शो कर रहे हैं, बाकी जो बीच की है वो पाइप है, एज ए लिंक आ रहा है। तो उसके बाद दोबारा से हम ओपन पे जाते हैं और दिस टाइम जो नोड है वो सेलेक्ट कर दीजिए आप। तो आप देख रहे हो कि जहां जहां पे हम लोगों ने ऑटोकैड में पॉलीलाइन के लिए पॉलीलाइन जहां जहां पे हम लोगों ने क्लिक किया था वहां वहां पे जंक्शन इंसर्ट होके आ रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों को पता चल गया कि किस तरह से अगर नोड मोड यूज करें तो क्या होता है, और अगर वर्टेक्स मोड यूज करें तो किस तरह से उसका यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई ईपाकेड की कि किस तरह से ईपाकेड सॉफ्टवेयर के यूज से आप ऑटोकेड की ड्राइंग को ईपानेट के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा हम पंप करो के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए पंप करो क्या होता है और उसको किस तरह से पंप करो प्रोवाइड किया जाए पंप को,
तो ये ड्राइंग तो अपन बंद करते हैं यहाँ पे, तो इसमें आप ओपन कर लीजिए जो अपनी लास्ट की जो ड्राइंग थी। तो जो अपने इपानेट लेक्चर 4 का जो प्रोजेक्ट था वो ओपन करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट था ये वाला है, तो इसको एक बार अपन जूम कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि जिस तरह से हमने लास्ट टाइम रन करके देखा था, तो रन की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें इसने बोल रहा है कि नो हेड कर्व। तो हेड कर्व किस तरह से सप्लाई करते हैं इसको, तो इससे पहले तो हम लोग इसकी जो प्रोजेक्ट के डिफॉल्ट्स हैं उसके अंदर जाके जो हाइड्रोलिक्स है इसकी जो फ्लो यूनिट है वो चेंज करते हैं, इसको लीटर पर मिनट कर देते हैं। क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम देखा था जो 5th या 6th लेक्चर था, तो उसमें हम लोगों ने जो बेस डिमांड है वो लीटर पर मिनट में कैलकुलेट करके रखी थी, तो इसलिए ये फ्लो जो यूनिट है ये भी लीटर पर मिनट कर देते हैं। उसके बाद जो ये राइट साइड में जो ब्राउजर विंडो है, तो इसमें आप अगर क्लिक करोगे तो जंक्शन के नीचे आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको कर्व्स करके एक ऑप्शन आएगा। तो कर्व के ऑप्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे कोई कर्व पहले से नहीं है, तो कर्व आप इसमें जो ये ऐड का ऑप्शन है इसको ऐड करके यहाँ से आप देखोगे कर्व एडिट कर सकते हो। तो ये कर्व आईडी जो आ रही है C1 आ रही है आपका, इसका डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे सकते हो, जो आपका पंप का नाम है कुछ भी दे सकते हो, इसमें मैं पंप ही लिख देता हूँ। उसके अलावा जो पंप का फ्लो है उसके वर्सेस हेड का ये ग्राफ बनेगा यहाँ पे। तो ये जो पंप कर्व है, ये जो भी आप पंप परचेज करते हो तो उसका मैन्युफैक्चरर उसके साथ आपको एक पंप कर्व प्रोवाइड करता है कि किस पर्टिकुलर फ्लो पे कितना हेड रहेगा, तो वो उससे आपको इसमें इंसर्ट करवाना है। तो मैं जैसे एग्जांपल के लिए कि 0 फ्लो होगा तो यहाँ पे 170 का हेड रहेगा, और अगर आपका फ्लो 50 हो जाता है लीटर पर मीटर तो जो ये हेड है ये 150 पे आ जाएगा। उसके बाद अगर 100 पे जाते हो तो 110 आ जाएगा, और अगर 150 फ्लो हो जाता है तो ये 90 हो जाएगा, या मैं कहूँ 70 हो जाएगा ये। तो आप देख रहे हो कि इसकी जो इक्वेशन नहीं आ रही अभी बन के, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसमें। तो अपन ऐसा करते हैं ये एग्जाम्पल 3 तक ही रखते हैं। तो आप देख रहे हो कि इक्वेशन आ रही पंप इसकी पंप कर्व की। तो उसके बाद इसको आप, अगर आपने कहीं पुराना सेव कर रखा तो आप वहां से लोड भी कर सकते हो, तो इसको मैं अभी ओके कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप इस पे रन पे जाओगे तो आप देख रहे हो कि अभी भी हेड कर्व सप्लाई नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पंप पे जाना पड़ेगा और इसका जो हेड कर्व है पंप कर्व है इसमें आप पंप कर्व जो आईडी है C1 वो दे दीजिए। उसके बाद फिर से आप रन कीजिए, तो इस बार देख रहे हो कि रन वो सक्सेसफुल। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से ईपाकेट के यूज से ऑटोकेट को ड्राइंग को जो ईपानेट के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पंप को पंप करो प्रोवाइड करना सीखा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए, क्योंकि जैसे भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।